हरे कृष्णा एस्पायरेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल द एडुवर्स। दिस साइड ओगेन शुक्ला। ओके, सो इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग डिस्कस अवर द हिंदू न्यूज़पेपर ऑफ 15th December 2023। ठीक है, इसमें जो भी रिलेवेंट आर्टिकल्स हैं फ्रॉम द यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू उसको हम लोग डील करेंगे, और बाकी के जो आर्टिकल्स अननेसेसरी उनको हम लोग चेकआउट नहीं करेंगे। ठीक है, अगर आप लोग को द हिंदू की या फिर इंडियन एक्सप्रेस की पीडीएफ चाहिए तो मेक श्योर आप लोग जो हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल उसको ज्वाइन कर सकते हो, जिसका जो लिंक है तो आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड होगा। ठीक है, सो मेक श्योर आप लोग ग्रुप ज्वाइन करें। सो ये हो गई बात, चलो देखते हैं आज के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। तो अगर सबसे पहला आर्टिकल देखा जाए तो कल की जो न्यूज़ थी, यानी 13th ऑफ दिसंबर को जो पार्लियामेंट में ब्रीच आउट हुआ था, ठीक है ना, उसके रिगार्डिंग ये आर्टिकल है। अगर हम लोग इसको देखें तो ये हमारा GS3 के इंटरनल सिक्योरिटी वाले पॉइंट से पार्ट से रिलेट करता है। ठीक है, तो इसमें देखो, जो टेरर चार्जेस हैं इन्वोक्ड इन सिक्योरिटी ब्रीच केस, पुलिस कॉल द एक्ट अ वेल प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी अटैक ऑन द पार्लियामेंट, फोर अक्यूज्ड सेंट टू 7 day पुलिस कस्टडी, अनदर हु फिल्म्ड स्टिर आउटसाइड द पार्लियामेंट हेल्ड 8 सिक्योरिटी पर्सनल सस्पेंडेड। ठीक है, तो 8 सिक्योरिटी पर्सनल सस्पेंड भी किया गया है, साथ ही साथ 4 अक्यूज को इसको लिया गया है, उनको मतलब कहीं ना कहीं पुलिस कस्टडी में रखा गया है। ठीक है, तो ये पुलिस इसको कह रही है ये वेल प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी अटैक है ऑन द पार्लियामेंट। ठीक है, अ डे आफ्टर अ मेजर सिक्योरिटी ब्रीच इन द लोकसभा, जो दिल्ली पुलिस है इन्वोक्ड सेक्शंस ऑफ द अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट एंड एंटी टेरर एक्ट लॉ अगेंस्ट 4 अक्यूज पर्सन्स, दे हैव ऑल्सो बीन चार्ज्ड अंडर द सेक्शंस ऑफ द इंडियन पीनियल कोड। ठीक है, इनको IPC की धारा के तहत भी इनको चार्ज किया गया है। ओके, सो ये कुछ ऐसी चीज़ थी, इसमें आप लोग को पता होना चाहिए बस कि जो 13 दिसंबर है उसको एज अ पार्लियामेंट अटैक की तरह वी कैन से उस पर हमारी गवर्नमेंट जो है 13 दिसंबर को एज अ पार्लियामेंट अटैक डे उसको घोषित किया है। ठीक है, मतलब है इट इज़, तो ये बात हो गई। अब इधर देखो, इसी के तहत 14 अपोजिशन MPs को सस्पेंड किया गया फ्रॉम हाउस एमिड फेस ऑफ। ठीक है, तो ये इतना रिलेवेंट नहीं है, बस आप लोग को पता होना चाहिए अटैक हुआ था और 2001 में 13 दिसंबर को हमारे पार्लियामेंट पे टेररिस्ट अटैक हुआ था। ठीक है, अगली जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ हमको देखने को मिलती है वो रिगार्डिंग द हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट डिसीजन है, जो इलाहाबाद हाईकोर्ट है उसने अलाउ किया है रिगार्डिंग द सर्वे ऑफ मथुरास शाही ईदगाह मॉस्क्यू। ठीक है, सो मथुरा में जो शाही ईदगाह मॉस्क्यू है उसके सर्वे के रिगार्डिंग इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अलाउ कर दिया है। ठीक है, रजामंदी दे दी है। तो ये इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है, ये हमारा इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये कहीं ना कहीं हिस्ट्री से रिलेट करता है। ठीक है, अब इधर देखो, अगर हम लोग आर्टिकल को देखें हल्का, तो जो इलाहाबाद हाईकोर्ट है थर्सडे को, यानी कल, उसने अलाउ किया है कोर्ट मॉनिटर्ड सर्वे ऑफ द शाही ईदगाह मॉस्क्यू एडजॉइनिंग द कृष्णा जन्मभूमि टेम्पल इन द मथुरा। ठीक है, तो ये जो पर्टिकुलर शाही ईदगाह मॉस्क्यू है ये कृष्ण जन्मभूमि जो टेम्पल है उसके बगल में ही है, उससे एडजॉइनिंग में ही है। ठीक है, द इंस्पेक्शन विल बी डन बाय अ 3-member टीम ऑफ एडवोकेट कमिश्नर्स एंड द मोडलिटीज एंड द कम्पोजिशन ऑफ द कमीशन विल बी डिसाइडेड ऑन December 18। ओके, तो ये जो पर्टिकुलर सर्वे है 3-member टीम के द्वारा किया जाएगा ऑफ एडवोकेट्स। ओके, जो ऑर्डर कम्स एट अ टाइम वेन द ASI यानी आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया इज ऑलरेडी कंडक्टिंग अ साइंटिफिक सर्वे ऑफ द ज्ञानवाबी मॉस्क्यू इन वाराणसी आफ्टर द पेटिशनर्स क्लेम्ड इट वॉज अ हिंदू टेम्पल। वी ऑल नो जो ASI है अभी ज्ञानवाबी मंदिर का जो सर्वे है वो कर रही है। ओके, द ऑर्डर ऑफ द इंस्पेक्शन ऑफ द शाही ईदगाह वॉज प्रोनाउंस्ड बाय द जस्टिस मयंक कुमार जैन बिल्ट ओवर टेम्पल एंड। अभी इसमें क्या कहा गया है, जो पेटिशनर्स उनके द्वारा क्या कहा गया है कि जो एक प्ली है वो फाइल की गई थी ऑन बिहाफ ऑफ द हिंदू डाइटी भगवान श्री कृष्ण विराजमान एंड 7 others हु इन देयर ओरिजिनल सूट पेंडिंग बिफोर दिस कोर्ट हैव क्लेम्ड दैट द मॉस्क्यू वॉज बिल्ट ओवर द कृष्ण जन्मभूमि बर्थ प्लेस लैंड ऑन द ऑर्डर्स ऑफ द मुगल एम्परर औरंगजेब इन 1670। इससे हमको कहीं ना कहीं हिस्ट्री पॉइंट पता लगता है, इसलिए कह रहा हूँ इंपॉर्टेंट हो जाता है ये, और साथ ही साथ रिलीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ओके, अब इसमें क्या बताया गया है, जो पेटिशनर थे हिंदू
पार्टी से उन्होंने क्या बताया कि ये जो पर्टिकुलर शाही ईदगाह मॉस्क है इसको बिल्ड किया गया है बाय द और मुगल एम्परर औरंगजेब इन 1670, ठीक है। और ये जो कृष्ण जन्मभूमि बर्थ प्लेस लैंड है उसके ऊपर बनाया गया है इस मंदिर को। ओके, द मेन सूट सीक्स रिमूवल ऑफ द मॉस्क्यू फ्रॉम द मोर देन 13 एकर कॉम्प्लेक्स इट इज़ बिल्ड ऑन। ओके, तो अल्टीमेटली इसका जो इस सूट का जो मेन मोटिव है फॉर द रिमूवल ऑफ द दैट मॉस्क्यू फ्रॉम दैट प्लेस दैट एरिया ऑफ द 13 एकर। ओके, इन द प्ली सीकिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ द कमीशन फॉर द इंस्पेक्शन, ये ठीक है। जो ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्ली फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ द कमिश्नर रेस्पॉन्डेंट द उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड, ठीक है, UPSC WB एंड थ्री अदर सबमिटेड इन द कोर्ट दैट द मेन सूट वॉज फाइल्ड इन 2020 एंड द प्रेजेंट एप्लीकेशन वॉज प्रिफर्ड इन 2023 विद नो रीजन बींग असाइंड बाय द प्लेंटिव फॉर द डिले। ओके, ये कुछ उसके बारे में है, तो आप लोग को बस पता होना चाहिए, ठीक है। अल्टीमेटली हमको इम्पोर्टेंट क्या था इधर कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अलाउ कर दिया, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट था कि इसको हिंदू पार्टी ने सबमिट किया है ये कहते हुए कि कृष्ण जन्मभूमि जो टेम्पल है उसके जगह पे औरंगजेब मुगल एम्परर औरंगजेब ने इन 1670 ये टेम्पल सॉरी ये शाही ईदगाह मॉस्क्यू बनाया है, ठीक है। सो दैट्स ऑल, तो अभी तक का इम्पोर्टेंट ऐड करिए और ऐड हो जाता है हमारा। ओके, और तो वैसा कुछ है नहीं इधर, लेट्स मूव फर्दर। वेट अ मिनट गाइस, हाँ इधर कुछ नहीं है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब जो छत्तीसगढ़ की एक स्कीम है, ये छत्तीसगढ़ में कौन सी गवर्नमेंट आई है, बीजेपी की, ठीक है। सो जो छत्तीसगढ़ है उसने क्लियर किया है प्रपोजल फॉर बिल्डिंग 18 लाख रूरल होम्स, ठीक है, रूरल यानी गांव देहात। ओके, इट वॉज वन ऑफ द की प्री इलेक्शन प्रोमिसज मेड बाय द बीजेपी। CM सेज हिज गवर्नमेंट विल एक्सप्लोर वेज टू कीप अ चेक ऑन रिलीजियस कन्वर्जन, ठीक है। इसके बारे में उन्होंने बात की, साथ ही साथ इसमें 18 लाख प्लस रूरल होम्स को बिल्ड करने का जो प्रपोजल है उसको भी कहीं ना कहीं पास आउट किया गया, ठीक है। तो ये अच्छी बात है। इसका जो पर्टिकुलर टोटल जो इसका काउंट था हाउसेस का कितना था, 18,12,743। अब छत्तीसगढ़ के CM कौन है, विष्णु देव साय, देव साई। ओके, नाउ इन 10 मंथ्स 2,366 फार्मर्स एंडेड लाइफ इन द महाराष्ट्र। अगर आप लोग एडमिनिस्ट्रेशन में आते हो, ठीक है, तो आप लोग को कहीं ना कहीं इन सब प्रॉब्लम से भी डील करनी पड़ेगी। आप लोग कैसी पॉलिसीज इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है, और वी कैन से ऐसे आइडियाज़ देने पड़ेंगे गवर्नमेंट को सो दैट जो पर्टिकुलर ये सुसाइड ऑफ द फार्मर्स है उनको कहीं ना कहीं रोका जा सके। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, अगर इसको एथिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो इंपॉर्टेंट है, और सम हाउ इन्वायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है उसने इन्फॉर्म किया है द स्टेट असेंबली ऑन थर्सडे दैट 2,366 फार्मर्स एंडेड देयर लाइफ बाय सुसाइड बिटवीन जनवरी टू अक्टूबर दिस ईयर। रिस्पॉन्डिंग टू अ क्वेश्चन आस्क्ड बाय द कांग्रेस MLA कुणाल पाटिल, मिनिस्टर ऑफ द रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन, यह हल्की दुखद घटना है, ठीक है। अब क्यों वो लोग फार्मर्स अपनी लाइफ एंड कर रहे हैं, देखो सबसे पहले के पास ज़मीन कम है, वी ऑन लो, ठीक है। जब उन्होंने कोई क्रॉप उगाई उनको MSP नहीं मिल रहा उस पर, या फिर गवर्नमेंट से कहने की सब्सिडीज नहीं मिल रही, तो वो लाचार हो जाते हैं, वो करे तो करेगा, ठीक है। इसके बारे में भी हम लोग को कहीं ना कहीं अवेयर होना है। लेट्स मूव फर्दर, अब इधर तो ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं। ओके, चलो आगे देखते हैं।
अब जो कर्नाटका हाई कोर्ट है उसने क्या कहा है, जितने भी पॉस्को केसेस हो उसमें प्रेगनेंसी टेस्ट को किया जाए। जो हाई कोर्ट ऑफ द कर्नाटका हैज़ डायरेक्टेड प्रेगनेंसी टेस्ट ऑन एवरी विक्टिम ऑफ रेप एंड सेक्सुअल ऑफेंसेज अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम द सेक्सुअल ऑफेंसेज एक्ट ऑफ 2012 अलॉन्ग विद अदर मैंडेटरी मेडिकल एग्जामिनेशन आफ्टर रजिस्ट्रेशन ऑफ द FIR ऑन ऑल ऑन एल्ज ऑफेंसेस। ठीक है, जो मेजर विल हेल्प टू एसरटेन अमंग अदर रिलेवेंट मेडिकल कंडीशंस द जेस्टेशन पीरियड ऑफ फॉर द टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एट द अर्लीस्ट द फिजिकल एंड द मेंटल स्टेटस ऑफ द विक्टिम द एबिलिटी टू अंडरगो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी एग्रीवेटिंग फैक्टर्स दैट विल इम्पिंज अपॉन द हेल्थ एंड वेल बींग ऑफ द विक्टिम सेज द कर्नाटका हाई कोर्ट। तो कहीं ना कहीं अच्छी बात है, जो भी विक्टिम है उसका अगर हम लोग जाँच कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं जेस्टेशन पीरियड और बाकी चीज़ों से उसकी हेल्प हो सकती है। ठीक है, अगर उसकी प्रेगनेंसी की जो टेस्ट है वो कर लिया जाता है तो ये आप लोग को पता होना चाहिए। चलो आगे देखते हैं क्या इम्पोर्टेंट है गाइस। जो अगला इम्पोर्टेंट चीज़ हमको देखने को मिलता है वो है रिगार्डिंग दिस, इंडिया फास्टेस्ट सोलर इलेक्ट्रिक बोट लॉन्च। इंडिया की भारत की फास्टेस्ट सोलर इलेक्ट्रिक बोट को लॉन्च कर दिया गया है। ठीक है, जो बराकुदा है कैन नेविगेट थ्रू वेव्स एज टॉल एज 4 मीटर्स एंड ऑपरेट विदाउट नॉइस एंड वाइब्रेशन। तो ऐसी खास बात है, इस पर्टिकुलर बोट का नाम क्या है, बराकुडा। ठीक है, सेट टू बी द इंडिया फास्टेस्ट सोलर इलेक्ट्रिक बोट वॉज लॉन्च ऑफ अरूर ऑन द वेडनेसडे। ठीक है, और टेकिंग अहेड द कॉज ऑफ द इको फ्रेंडली मैरिटाइम ट्रांसपोर्टेशन, ब्राकुडा सेड टू बी द इंडिया फास्टेस्ट सोलर इलेक्ट्रिक बोट वॉज लॉन्च ऑन द वेडनेसडे एट द यार्ड ऑफ द नेवल्ट सोलर एंड इलेक्ट्रिक बोट्स लोकेटेड इन द लोकेटेड ऑफ अरूर इन द एल्फोज। ठीक है, ये अच्छी बात है। इसके अगर हम लोग कुछ फैक्ट्स के बारे में देखें तो जो ये बोट है कैन फेरी अप टू 12 पैसेंजर्स एंड कार्गो। जो 14 मीटर लॉन्ग बोट है, 4.4 मीटर वाइड वेसल कैन अटेन अ टॉप स्पीड ऑफ 23 किलोमीटर पर आवर एंड हैज़ अ रेंज ऑफ 7 आवर्स ऑन अ सिंगल चार्ज। ठीक है, इट हैज़ ट्विन 50 किलोवाट इलेक्ट्रिक मोटर्स। तो इतने पढ़ नहीं, बस आप लोग को पता होना चाहिए इंडिया की फास्टेस्ट सोलर इलेक्ट्रिक बोट लॉन्च हो चुकी है। इसका जो नाम है ब्राकुदा है और ये लॉन्च कहाँ पे हुई है, अल्फूजा में। ओके, सो दैट्स ऑल। और ये अच्छी बात है, जब इससे जो मैरिटाइम ऑफ इन्वायरमेंट है, ठीक है ना, जो मैरिटाइम इको सिस्टम वो भी कहीं ना कहीं सस्टेन करेगा। जब नो वाइब्रेशन और नो साउंड है तो कहीं ना कहीं जो पर्टिकुलर मछली मछली रहती हैं पानी में वो उनको कहीं ना कहीं उनके लिए फ़ायदेमंद है। ठीक है, तो ये अच्छी बात है। लेट्स मूव फर्दर। और तो वैसा कुछ इतना इम्पोर्टेंट मुझे दिख नहीं रहा। चलो अब देखो, COP28 मैनी आर स्लिपली स्लोप अहेड। अब इधर जो एडिटर है कौन है, डी रघुनंदन, जो कि विद दिल्ली साइंस फोरम एंड ऑल इंडिया पीपल साइंस नेटवर्क। ओके, नाउ मच रेस्टेड ऑन द COP28 इन दुबई। COP28 कहाँ पे हुआ था, हमारा दुबई में हुआ था। ओके ओके, दुबई में अ माइलस्टोन इवेंट स्लेटेड।